अररिया जिला के प्रिय निवासियों, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, सशस्त्र बल के जवानों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े देवियों, सज्जनों एवं सियाने बच्चों, मैं जिलाधिकारी अररिया जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और अररिया जिला के सर्वांगीण विकास की कामना करता हूं। भारतीय गणतंत्र की आज 73वें गणतंत्र वर्ष आज है। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। सदियों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ, तब हमारे देश के कर्णधारों ने देश को भूत, वर्तमान एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए अथक परिश्रम से हमारे संविधान का निर्माण किया। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, साथ ही यह देश के विकास की दिशा एवं दशा भी तय करता है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं गणतंत्र है। गणतंत्र की जड़ें इस देश में मानव सभ्यता के प्राचीन काल में भी देखी जा सकती है। गणतंत्र भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है। साथ ही आज के दिन हम नमन करते हैं अररिया जिला के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम देनी जी एवं श्री द्विज देनी जी का, जिनके अदम्य साहस एवं पराक्रम से अररिया की पावन धरती धन्य हुई है। नमन है उन वीर सपूतों का जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। देश का कण कण इन वीर बलिदानियों का ऋणी है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। प्रिय अररिया वासियों, 1990 में एक जिला के रूप में गठन के बाद अररिया जिला निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार के दृढ़ निश्चय एवं आप सबों के सहयोग से अररिया जिला में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति एवं उपलब्धियों से आपको अवगत करना चाहता हूं। जिला अंतर्गत आरटीपीसीआर लैब का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है, जहां कोरोना संदिग्ध मरीजों का सैंपल संग्रहण कर शीघ्रातिशीघ्र जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 86,000 सैंपल संग्रहित कर जांच किया जा चुका है, जिसमें 183 पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल में लोक निजी साझेदारी के तहत सीटी स्कैन प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें मरीजों को न्यूनतम शुल्क के आधार पर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा उपलब्ध हो जाने के पश्चात जिला के मरीजों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है। अब तक लगभग 8,000 व्यक्तियों को सीटी स्कैन का लाभ दिया जा चुका है। जिला अंतर्गत अब तक कोविड-19 का प्रथम डोज 15,75,000 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से लगभग 85% व्यक्तियों को द्वितीय डोज भी दे दिया गया है। 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग
जो निर्धारित लक्ष्य 2,11,000 है, इसके विरुद्ध 73,000 टीकाकरण लगाया जा चुका है। साथ ही 10 जनवरी 2022 से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभुकों को प्रिकॉशन डोज का टीका लगाना प्रारंभ हो चुका है। जिला अंतर्गत कोविड के तृतीय वेव में अब तक 643 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से अब तक कुल 304 रिकवर हो गए हैं और शेष मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कुल 139 कोरोना से मृत व्यक्तियों में से कुल 125 व्यक्तियों के आश्रितों को 4.5 लाख रुपए के दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योग चुनौतियों को हमने अवसर में बदलना सीखा है। अन्य प्रदेशों से लौटे कामगार मजदूर भाई बहनों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग बिहार पटना के द्वारा जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना एवं मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना लागू की गई है। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत 6 क्लस्टर समूह बनाया गया है, जिसमें पेवर ब्लॉक, सीमेंट से निर्मित वस्तु का निर्माण, रेडीमेड गार्मेंट, चप्पल, फिश फीड एवं गेट ग्रिल की इकाइयां लगाई गई है। प्रति इकाई 15 प्रवासी एवं स्थानीय कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी योजना के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध 2 समूह क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें रेडीमेड गार्मेंट एवं मखाना प्रोसेसिंग से संबंधित इकाई लगाई गई है। प्रति इकाई औसतन 13 स्थानीय एवं प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र अररिया के माध्यम से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लगभग 4,700 छात्र छात्राओं को शिक्षा ऋण, 5,300 बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं सहायता भत्ता तथा 24,000 युवक युवतियों को प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत भी किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जिला को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसमें 100% लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। वैसे दलित एवं महादलित टोला बसावटों में जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, वैसे स्थानों पर 436 लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 51% सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराकर समुदाय को हस्तगत करा दिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किया जाना है, जिसके लिए कुल 25 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से प्रथम चरण में 19 ग्राम पंचायतों का DPR तैयार किया गया है। मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में करहट ग्राम पंचायत प्रखंड रानीगंज को विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण को जीवनदायिनी बनाए रखने के लिए जल जीवन हरियाली योजना आज हमारे लिए अपना
पर्याय बन चुका है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। इन अभियान के तहत 336 सार्वजनिक पोखरों में से 64 पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल 653 निजी तालाबों का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिसमें से 637 निजी तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इस प्रकार लक्षित 283 ग्रामीण नाला पाइन के विरुद्ध लगभग 92% ग्रामीण नाला पाइन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला में अवैध चुलाई शराब का निर्माण एवं बिक्री पर कारगर रोकथाम करने हेतु 2 उत्पाद छापेमारी दल ALTF का गठन किया गया है। इस दल के द्वारा जिला में चिन्हित स्थानों पर निरंतर छापेमारी किया जा रहा है। यह छापेमारी उत्पाद एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। साथ ही समय समय पर उत्पाद एवं पुलिस विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर शराब तस्करी, अवैध बिक्री एवं शराब निर्माण पर रोक लगाने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अररिया जिला अंतर्गत उत्पाद एवं पुलिस विभाग के द्वारा अप्रैल 2016 से अब तक कुल 9356 अभियोग दर्ज कर 10,528 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। साथ ही लगभग 2,90,000 लीटर अवैध शराब एवं 28,400 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त किया गया है एवं 1,675 वाहन का जब्ती किया गया है। देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों को सतत जीविकोपार्जन के तहत कुल 520 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। अररिया जिला अंतर्गत कुल 69 व्यक्तियों को नीरा की अनुज्ञप्ति दी गई है। कोरोना महामारी के कारण यद्यपि विद्यालय अधिकांशतः संचालित नहीं हो पाए हैं, तदपि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा बच्चों की पढ़ाई निरंतर की जा रही है। इसके अतिरिक्त मोबाइल पर उपलब्ध ई लॉज के माध्यम से भी बच्चों तक उनके सभी पाठ्य पुस्तकों वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में बच्चों को उनके घर एवं टोलों में ही गृह आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत टोला सेवक एवं तालिमी मलकज घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3,00,000 किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किश्तों में DBT के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पूरे राज्य में लागू है। अररिया जिला मुख्यालय एवं अनुमंडल अररिया तथा फॉरबिसगंज में लोक शिकायत निवारण कार्यालय कार्यरत है। जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में अब तक कुल 30,976 परिवार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 98% परिवारों का निवारण भी हो चुका है। किसी भी प्रकार की समस्या
लिखित रूप में जिला या अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दे सकते हैं, उसका सामयिक निदान किया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत वर्तमान में आधारभूत संरचनाओं के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए योजना प्रस्तावित है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केंद्र प्रायोजित MSDP योजना, जिसे अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जा रहा है, इसके अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना से 24 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 36 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 15 पहुंच पर, 133 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 16 हॉस्टल, 10 पुलिस स्टेशन, 215 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण इंटर प्रथम श्रेणी के छात्राओं एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को 15,000 तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से उत्तीर्ण फुकनिया प्रथम श्रेणी के छात्र छात्राओं को 10,000 एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 6 तरह के पेंशन योजनाएं संचालित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अररिया जिला में लगभग 3 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अररिया से गलगलिया नई बड़ी रेल निर्माण हेतु सभी 37 मौजों के लगभग 660 एकड़ जमीन का दखल कब्जा NFR रेलवे कटिहार को दे दिया गया है एवं निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। NH 57A के चौड़ीकरण एवं भारत नेपाल सीमा समांतर सड़क निर्माण परियोजना का कार्य भी अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त NH 337E पर आरोपी का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस प्रकार अररिया से सुपौल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के तहत भूअर्जन निमित्त अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। NH 337E के 4 लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु अधिसूचना निर्गत किया गया है एवं महानंदा बेसिन Phase 2 अंतर्गत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण तथा महानंदा बेसिन Phase 4 अंतर्गत परमान नदी पर तटबंध निर्माण हेतु भू अर्जन की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। सीमा सुरक्षा बलों के नियंत्रणाधीन कुल 31 BOP का निर्माण होना है, जिसमें से 26 BOP के लिए अर्जित जमीन का दखल कब्जा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कुल लगभग 1,500 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 94% लोगों को चयन किया गया है और अब तक 1,100 लोगों के बीच अनुदानित वाहन का वितरण भी कर दिया गया है। यात्रियों के सुविधा हेतु जिला अंतर्गत 17 बस स्टॉप का निर्माण कराया जा चुका है, शेष 9 बस स्टॉपों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2 वर्ष तक के प्रथम 2 कन्या शिशुओं को सशर्त 3,000 रुपये लाभ की राशि प्रदान की जाती है। अररिया जिला में अब तक लगभग
18,000 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम बार मां बनने वाले माताओं की 5,000 रुपए की राशि किस्तवार सीधे लाभुक माताओं के बैंक खाता में भारत सरकार के द्वारा भेजा जाता है। इस योजना में पंजीकरण हेतु जिला को लगभग 62,000 लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध लगभग 115% लाभुकों को पंजीकृत कर लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कुल लक्ष्य 1,65,000 के विरुद्ध लगभग 85% लाभुकों का आवास पूर्ण कराया जा चुका है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 80,00,000 के विरुद्ध लगभग 62% मानव दिवस सृजन किया जा चुका है तथा 1,42,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बिजली की निर्बाध उपलब्धता सरकार के 7 निश्चय में सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। जिला के सभी गांवों में विद्युत पहुंच चुकी है एवं हर घर बिजली पहुंचाने के नाम अपने अंतिम चरण में है। जिला अंतर्गत निर्माणाधीन 11 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र में से 10 का काल पूर्ण हो चुका है, जबकि 1 सिकटिया का काल प्रगति पर है। हर खेत तक पानी पहुंचाने हेतु जिला अंतर्गत 26 कृषि फीडरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अररिया जिला एक उदाहरण है। जिले के सभी वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप अपनी ओर से किसी भी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए उत्तेजित न हो और भविष्य के कर्णधार के रूप में अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा और संस्कार दें। आशा है आगे भी आप सबों के सक्रिय सहयोग से अररिया जिला विकास की नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आप सबों को अनेकों बधाई देते हुए सोहनलाल त्रिवेदी जी की इन पंक्तियों से अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूंगा। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वही, बड़े चलो बड़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, झुको नहीं झुको नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। गटागिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का कूट हो, जिए चलो मरे चलो बड़े चलो बड़े चलो। गगन उगलता आज हो, चिड़ा मरण का राज हो, लहू का अपना पाद हो, अड़ो वही गड़ो वही, बड़े चलो बड़े चलो। चलो नहीं मिसाल हो, चलो नहीं मशाल हो, चलो नहीं मिसाल हो, चलो नहीं मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों का खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। जय हिंद जय बिहार जय अररिया। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय।
अभी हमने देखा कि हमारा अररिया जिला कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, आरटीपीसीआर सेकंड कमांड चल।